नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं UP SSSC जूनियर असिस्टेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 31 मई को एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, और उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके ऊपर आज हमारी ये वीडियो है। अब दोस्तों, ये वीडियो क्यों है आप देख रहे होंगे, बहुत सारे मीम्स इस समय फेसबुक पर और अलग अलग जगह चल रहे हैं कि अगर सबके नंबर जो है 3500 ऊपर हैं तो कट ऑफ 30 से ऊपर कैसे जाएगी। बड़े बड़े IAS वाले स्टूडेंट्स भी जो है हिंदी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम्स चल रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ ऐसी होती है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का माहौल बनाने के बाद जो है वो पैटर्न भी ऊपर चला जाता है। लेकिन हम आशा करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना चले, सब कुछ ईमानदारी के साथ हो। और दोस्तों, अगर सब कुछ सही होगा तो आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 32 जाएगी जनरल की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और OBC की जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो 29 रहेगी, और आपकी SC की कट ऑफ जो रहेगी वो 27 रहेगी। महिलाओं के लिए जो कट ऑफ ने बताई थी वो 26 बताई थी, और ST की जो रहेगी वो लगभग 24 के करीब अप्रॉक्स रह सकती है। ये हमारी जो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। और जहाँ तक बात आती है पैसा चलने या ना चलने की, दोस्तों मैं तो एक बात जानता हूँ कि कहीं पे चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमें तो हमारी सिर्फ एक सीट चाहिए, और अगर हम मन बना लें कि हमें हमारी एक सीट लेनी है तो चाहे कहीं भी कुछ भी चल रहा हो, हमारी सीट हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हिम्मत मत हारिए। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, यही हम ईश्वर से कामना।